बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दिन ढलने के बाद ही क्यों होती है शनिदेव की पूजा? शनिदेव को क्यों चढ़ाते हैं तेल? शनि की दृष्टि कैसे हुई विनाशकारी? सूर्य पुत्र शनिदेव का रंग इतना काला क्यों है? हर सवाल के पीछे एक कहानी, न्याय और दंड के देवता की कहानी। बुरे के लिए काल है शनि, अच्छे के लिए ढाल है शनि। शनिदेव के बारे में तमाम बातें कहीं सुनी जाती हैं, लेकिन आज हम आपको शनिदेव से जुड़े सारे रहस्यों के बारे में बताएंगे। शनिदेव हैं इस कलयुग के न्यायकर्ता। ये सच है कि शनि किसी को क्रोध होकर देख लें तो उसका बंटा धार कर देते हैं, बुरे कर्मों की कठोर सजा देते हैं शनिदेव, अच्छे कर्म का शुभ फल देते हैं शनिदेव। कहते हैं शनि खुश हो तो यशवान बनाते हैं, शनि नाराज हो तो अपयश देते हैं। शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है हम आपको बताएंगे। शनिदेव भगवान जो थे ना, बचपन से ही बहुत शैतान थे, बहुत शैतानियां करते थे, इसलिए उनके पिता सूर्य भगवान काफी परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि उनको भोले बाबा के पास लेके गए, शिव जी के पास लेके गए। पर शनिदेव तो शनिदेव, शिव जी की भी बात नहीं मानी, खूब समझाया नहीं मानी, तो भोले बाबा व्याकुल हो गए, व्याकुल होकर के क्रुद्ध होकर शनिदेव पर प्रहार कर दिया। ऐसा प्रहार किया कि शनिदेव मूर्छित हो गए। जब शनिदेव मूर्छित हो गए तो सूर्यदेव भगवान घबरा गए, उन्होंने प्रार्थना करी, भोले बाबा बच्चे को फिर से आप मूर्छा दूर करिए। तो शनि तो भोले बाबा ने उनकी मूर्छा दूर कर दी। मूर्छा दूर करने के बाद शनिदेव को अपना प्रिय शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिए कि जाओ आज से तुम दंडाधिकारी होगे और लोगों को दंड दोगे, लोगों का न्याय करोगे। शनि के न्यायाधीश होने के पीछे भी एक रहस्य है। मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक हैं। जब भी समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि उसको बुरे कर्मों की सजा देते हैं, राहु केतु दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की अदालत में दंड पहले मिलता है और बाद में मुकदमा इस बात पर चलता है कि दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाली दी जाए या नहीं। तो शनि ही करते हैं पापों का हिसाब, पाप कर्मों पर होती है शनि की दृष्टि। लेकिन क्या शनि सबको पहुंचाते हैं नुकसान? शनि पीड़ा उसे ही देते हैं जो बुरे कर्मों में लिप्त होते हैं। अगर शनि के क्रोध से आप बचना चाहते हैं तो समझिए कैसे बच सकते हैं। दूसरों की बुराई करने और षड्यंत्र करने वाले लोगों से दूर रहें। मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार न रखें। किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास ना करें। किसी का हक छीनने का प्रयास ना करें। लापरवाही करने से बचें। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। सूर्यास्त के समय बिल्कुल ना सोएं। हरे पेड़ों को ना काटें। गरीब और भूखों को यथावत संभव भोजन कराएं। खाने की वस्तुएं दान करें। जरूरतमंद व्यक्ति को चमड़े के जूते, चप्पल का दान करें। सर्दियों में गरीबों को कंबल का दान करें। शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में सरसों तेल दान करें। शनिवार की शाम शनि देव पर सरसों का तेल चढ़ाएं। सरसों तेल का दिया भी जलाएं। शनि से जुड़ा अगला रहस्य उनकी प्रतिमा को लेकर है। रहस्य ये है, क्या शनि प्रतिमा के दर्शन से होता है नुकसान? भक्त सिर झुका कर करते हैं शनि की पूजा। कहते हैं शनि मंदिर में कभी भी शनि की प्रतिमा की सीध में खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही उनकी प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए। अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि शनि की टेढ़ी नजर जिस पर पड़ती है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। आखिर क्यों शनि की प्रतिमा से लोग होते हैं भयभीत? क्या है
शनि देव की टेढ़ी दृष्टि का रहस्य। ब्रह्म पुराण के अनुसार कहा गया है कि शनिदेव जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा भजन करते थे, कीर्तन करते थे, हमेशा उनमें रमे रहते थे, उनका मनन करते थे, हमेशा उनका ध्यान में मग्न रहते थे। शनिदेव जी जब युवा हुए तो उनका विवाह चित्ररथ राजा की पुत्री से कर दिया गया। विवाह तो हो गया पर वो अपनी पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, सदैव भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में कीर्तन करते रहना, भजन करते रहना, मनन करते रहना। इससे क्या हुआ, उनकी पत्नी जो थी वो क्रुद्ध हो गई, अपनी पत्नी की तरफ कभी देखते ही नहीं थे। तो पत्नी ने क्या दिया, शनिदेव जी को श्राप दे दिया कि जिसकी ओर भी अब आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा, जिसकी तरफ भी आप देख दोगे अपनी दृष्टि से उसका विनाश हो जाएगा। जब से शनिदेव किसी के ऊपर अगर टेढ़ी दृष्टि से देख देते हैं तो उसका विनाश हो ही जाता है, इसलिए शनिदेव भगवान की दृष्टि से बच के रहना चाहिए। यही शनि भगवान की टेढ़ी दृष्टि का रहस्य। शनिदेव से ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको उन रहस्यों के बारे में भी आगे रूबरू करवाएंगे।